तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन। तो ये सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये इट इज ए डिविजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट सप्लाइज टू द स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स एंड दस इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये मेजरली जो है इंटरनल ऑर्गन्स के इनर्वेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्ट लार्जली तो अनकॉन्शियसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड रेगुलेट्स द बॉडीली फंक्शन सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट, पेपिलरी रिस्पॉन्स, यूरिनेशन एंड सेक्सुअल अरोसल। तो एक ही पंचलाइन है इसकी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है अनकॉन्शियसली, है ना। तो जैसे हार्ट रेट है, हार्ट बीट जो है आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन जो है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी इनवॉलेंट्री अपना मूवमेंट है, जिसकी जो इसको जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। इसका नाम ही है ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, नॉमिक मीन्स गवर्निंग नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली गवर्न होता है। फिर इसके बाद तीसरी लाइन क्या है? दिस सिस्टम इज द प्राइमरली मैकेनिज्म इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपके लड़ते समय, फाइट या फिर उड़ते समय, समझ गए आप? मतलब ये बोलने का मतलब है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है उस टाइम पे जनरली ये आपके बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। अब ये इतना सारा थ्योरी पढ़ने के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको मैं एक एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी सिस्टम, और यू कैन से दैट ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरीके से या कौन से बॉडी सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। तो अपन एक एग्जांपल थ्रू डिस्कस करेंगे इसको। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे ये पहले वाले सेक्शन की, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की, ठीक है। क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो है आपको दो पार्ट पढ़ते हैं, एक तो पैरासिंपैथेटिक और एक तो सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका नाम ही है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब कि सहानुभूति। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसको आपके बॉडी के प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है, और पैरासिंपैथेटिक मतलब जिसको किसी भी टाइप की सहानुभूति नहीं है, ये अपने आप से जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ये आपके बॉडी के प्रति सहानुभूति शो नहीं करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके बॉडी के प्रति सहानुभूति शो करता है, सिंपैथी शो करता है। अब सहानुभूति कैसे शो करता है या कहाँ शो करता है उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो की है कि ये एक पपी है, एक डॉगी है, ये डॉगी किसी पर्सन के पीछे में भाग रहा है, इस आदमी के पीछे भाग रहा है और ये भी भाग रहा है। अब ये जो केस है, इसी पर से हम पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे अब देखिए कि पपी इसके पीछे भाग रहा है, तो ये डर के भागने लगा। अब भागने लगा तो सिंपल सी बात है कि भागने के लिए इसको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि इसकी जो मसल्स काम कर रही है वो अब ज्यादा फोर्सफुली कर रही है, तो इसकी वजह से एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अब ये एनर्जी जो है इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिंपल सी बात है कि एनर्जी मिलेगी कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से, या फिर आप बोल सकते हैं बायोमोलिकुल से, है कि नहीं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हर सेल तक जाना चाहिए, तभी तो बॉडी मूवमेंट इंक्रीज होगा। मतलब भागने के लिए जो इसको एनर्जी लग रही है, तो इसमें मसल मूवमेंट ज्यादा हो गया, मसल मूवमेंट ज्यादा हो गया है इन द सेंस कि मसल की हर सेल की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब हर सेल की एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो सिंपल से बात है कि हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। अब हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पूरे करेंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स पूरे करेंगे।
अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ये हर सेल तक पहुंचेंगे ज्यादा कैसे, जब ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा हर सेल तक, ठीक है नहीं, क्योंकि ब्लड में ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो भी है ये ब्लड में ही होते हैं, तो ये ब्लड से ब्लड के थ्रू ही हर सेल तक पहुंचते हैं, तो ब्लड जब ज्यादा क्वांटिटी पहुंचेगा तभी आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स जो है आपके हर सेल तक ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचने लगेंगे। अब ये जो ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड पहुंचेगा कब, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट जो है स्पीडली पंप करेगा, तब हार्ट जो है स्पीडली पंप करेगा तब ब्लड जो है वो फोर्सफुली हर ऑर्गन तक पहुंचना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, जब इसने भागना स्टार्ट किया, या मान लीजिए कि आप अपने आप को इस आदमी के पीछे आदमी जगह पे रख के देख लीजिए, तो इस समय क्या होगा कि इसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट, रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट, और इसका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें देखिए कि जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना है ना, अब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होने के पीछे क्या पर्पस है कि हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, करेक्ट, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई किसको बढ़ेगा, हर सेल को बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई टू द सेल, जिससे कि सेल जो है मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, और ये जो इसको भागने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब जब ये नॉर्मली यहाँ पर जिस समय इसके पीछे डॉगी नहीं भाग रहा होगा तब ये नॉर्मली यहाँ पर खड़ा होगा, तो उस टाइम पे इसका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इसके पप्पी इसके पीछे भागने लगा इसका हार्ट रेट जो है सडनली इंक्रीज हो गया, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि हार्ट जो है वो हार्ट का जो कंट्रोल है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में चला गया। जैसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, वैसे ही उसने क्या किया कि हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया। हार्ट रेट इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हुआ ना कि ऑटोनॉमस सिस्टम जो है वो बॉडी के सिंपथी में काम किया उसने, है ना, मतलब उसने बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे बॉडी ऑर्गन को वर्क करना स्टार्ट करवाया। अब ये तो हुई बात ब्लड की, सेकंड थिंग कि सेल को जो है एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। अब जितने क्वांटिटी में एनर्जी मॉलिक्यूल पहुंचेंगे उतने ही क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, तो जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा तो नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी के सेल्स तक पहुंचना स्टार्ट होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, थर्ड थिंग ये कि डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब वहीं इसका अपोजिट ले लीजिए कि आप एक सिनेमा घर में बैठे हैं, यहाँ पर एक मूवी चल रही है, अब मूवी चल रही है उस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बैठे हैं, रिलैक्स तरीके से बैठे हैं, तो आपने नोट किए होंगे जब भी आप खाली पीली बैठे होते रिलैक्स बैठे होते तब आपको भूख ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है इन द सेंस क्या है कि डाइजेशन रेट जो है वो फास्ट होता है, करेक्ट, लेकिन आपका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होता है, करेक्ट, रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी नॉर्मल होता है। बोलने का मतलब ये है कि सिंपैथेटिक में आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज, लेकिन डाइजेशन जो है वो स्लो रहता है। उसका अपोजिट पैरासिंपैथेटिक में डाइजेशन रेट इंक्रीज रहता है लेकिन हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहता है। तो ये हुए ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक, और यही है ANS, क्योंकि ANS के ही ये दोनों टाइप है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये दोनों की एक्टिविटी हुई। तो फंक्शन ऑफ ANS को अब समराइज करेंगे अपन, तो इसी दो डायग्राम पर से अपन इनको कोरिलेट करेंगे कि किस टाइप से वो एक्टिविटी हुई है या वो फंक्शन हुए है ANS के। तो देखिए, फंक्शन ऑफ ANS में सबसे पहले यहां पर है सिंपैथेटिक, यहां पर है पैरासिंपैथेटिक।
तो सिंपैथेटिक में हार्ट के ऊपर क्या एक्शन है एएनएस का, कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। बताया था मैंने भागने के लिए ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी सेल को, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, साथ में हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि टोटल जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, मतलब हार्ट में से निकलने वाले ब्लड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, ब्लड वेसल पे क्या एक्शन है, तो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई। अब ये कैसा कंसेप्ट है, ब्लड वेसल जो होती है वो इस टाइप से आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर से क्या होता है ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई, इसका मतलब है कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है इस टाइप से कम हो जाएगा। कम हो गया डायमीटर, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर ब्लड तो उतना ही है कि नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इससे निकलने वाला जो ब्लड रहेगा उसका जो प्रेशर रहेगा वो इस ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है उसमें से निकलने वाले ब्लड प्रेशर से कम होगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, मतलब कि ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन की वजह से प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। होता है ऐसा, भागते समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना। सेम थिंग है कि भागते समय जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक पार्ट है एएनएस का। अब लंग्स के ऊपर क्या एक्शन है, तो ब्रोंको डायलेशन कर देगा, मतलब कि वो ब्रोंको डायलेशन होगा, मतलब क्या हो कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा ड्यू टू दी ब्रोंको डायलेशन, जो भी हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किए, जो कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है फॉर द हायर एक्टिविटी। एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में बायोमोलिकुल्स भी चाहिए। और लास्ट में है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसकी जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये ओवरऑल मिला के क्या करेंगे कि आपके डाइजेशन रेट को स्लो कर देंगे, मतलब खाना जो है धीरे धीरे पचना स्टार्ट होगा, ठीक है। वहीं इसका अपोजिट देखिए पैरासिंपैथेटिक, कि जब आप किसी भी टाइप के फोर्सफुल या स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं है, रिलैक्स बैठे हैं, रेस्ट बैठे हैं, तो उस टाइम पे आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड वेसल पे ब्लड वेसल नॉर्मल रहेगी, लंग्स जो है उनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रहेगा, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन रहेगा, इंक्रीज सिक्रीशन रहेगा। इन तीनों की वजह से ओवरऑल क्या होगा कि डाइजेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा। होता है ऐसा, जब हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तब हमको ज्यादा भूख लगती है, तो वो ड्यू टू दिस पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी, कि जब आप खाली पीली बैठे होते हैं तब आपका बॉडी में पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो वर्क करता है, और जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तब आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये दोनों नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है और जो फंक्शन है वो इस टाइप से। दोस्तों समझ में आया व्हाट इज एएनएस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।